के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए आजादी से पहले बापू ने जो सपना देखा कि ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों को मजबूत किए बगैर भारत में गांव में खुशियां नहीं आ सकती, वो आजादी के 75 साल के बाद भी वो सपना आज जमीन पर नहीं मिल रहा है। कई ऐसे पंचायत हैं जहां आम सभा नहीं होती, कई ऐसे पंचायत हैं जहां कोई निगरानी कमेटी नहीं होती, कई ऐसे पंचायत हैं जहां विकास आज भी दिल्ली से कोसों दूर है। ऐसे में हमारी यात्रा ग्राम स्वराज पहुंची है कल्याणपुर के ग्राम पंचायत राज वीर सिंहपुर, जहां एक सामाजिक कार्यकर्ता जगन्नाथ कुमार जी से हमारी बात हो रही है। जगन्नाथ कुमार जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के छोटे बड़े अपनी नैतिक जिम्मेदारी के तहत सामाजिक दायित्व का निर्वहन पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। जगन्नाथ जी, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले जो है आपको धन्यवाद होगा कि आप कम से कम इस लायक हमको समझे, और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से पूरे पंचायत के हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे माता बहनों एवं हमारे गार्जियन जो हैं, उनको हमारा प्रणाम होगा, है ना। जगन्नाथ जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से समाज में 10 सालों से सामाजिक काम करते आ रहे हैं, ऐसा क्या लगा कि अब हमें राजनीति में आकर चुनाव लड़ना चाहिए? चुनाव लड़े बिना लोगों का फायदा हम नहीं दिला सकते, अपने लोगों के अधिकार और मानवाधिकारों को नहीं बचा सकते, ऐसा क्या लगा? वो कौन सी घटना है या वो कौन सी बातें हैं जिससे आप प्रेरित होकर राजनीति में आए, एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में यहाँ कैंडिडेट दिए? देखिए, हम जो हैं राजनीति में वैसे हम आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमारा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है वीर सिंहपुर पंचायत का, यही इसी पंचायत में हमारा जन्म हुआ, इसलिए हम जमीनी हकीकत को जानते हैं। यहाँ का जो वर्तमान मुखिया हैं और पूर्व में भी उन्हीं के हाथ में बागडोर रहा है इस पंचायत का, तो हम जो देखे कि इतना भ्रष्टाचारी चरम पर ये ले गए थे, मतलब उसके बाद हम सरपंच कैबिनेट के लिए चुनाव लड़े, हम इसी वार्ड से चुनाव लड़े और पंच बनाए गए, तब से लेके आज तक सैकड़ों काम में हम लोगों के काम में गए, कभी प्रशासन का मामला आया, कभी पंचायत हुई, कभी किसी के हमारे गांव की लड़की है कहीं दूसरे जिला में है, उसको अगर कोई तकलीफ है वहां जाके हमने पंचायत करने का काम किया, है ना, हमसे जो भी हो पाया हमने किया, लेकिन कभी भी हम लोगों को ये नहीं कहे कि हमारा जो नुकसान हुआ उसका भरपाई करिए। कोई ऐसा व्यक्ति पंचायत में नहीं होगा जो हम पर ये आरोप लगा सकते हैं कि हमने जगन्नाथ को कभी 50 रुपये काम के बदले में दिए। हम अपने इच्छा से लोगों को सेवा किए और आगे भी हम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, ये हम लोगों को भरोसा दिला रहे हैं। जगन्नाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना सात निश्चय, जिसमें उन गरीबों के घर तक स्वच्छ जल पहुंचाना था जो स्वच्छ जल नहीं पीने के कारण गंभीर बीमारी से गुजर रहे थे, ऐसा कहना प्लानिंग कमीशन के इस रिपोर्ट में कहा गया कि देश की 80% ग्रामीण आबादी आज भी स्वच्छ जल नहीं पी रहे हैं, जिस वजह से उन्हें गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजना सात निश्चय आपके पंचायत में भी क्या स्थिति है और आपके आने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, इस नल जल, बड़ा अच्छा सवाल आप पूछे नल जल के विषय में, चूंकि मुख्यमंत्री जी इस पर विशेष जोर देले हैं, है ना, तो हम नल जल के विषय में आपको बताए हैं, चूंकि हम सरपंच कैबिनेट में रहते हम इसके लिए लड़ाई लड़े, हम चूंकि पंच थे और जो पंच होता है वो 7 सदस्य कमेटी में उसका भी नाम होता है, लेकिन कभी भी यहाँ के जो नेतृत्व करता है ये तरजीह नहीं दिए पंच को, किसी पंच को, हम ही को नहीं, किसी भी पंच को कोई वार्ड सभा करके कमिटी नहीं बनाया गया, ये हम उसका भूतभोगी हैं, माने इसका प्रमाण है हम कि मैं उस सरपंच कैबिनेट में था, हमको कहीं नहीं पूछा गया, जबकि 7 सदस्य कमिटी में ये बिहार सरकार का निर्देश है कि उसमें पंच को रखा जाए, लेकिन सच ये है कि आज तक मैंने किसी भी सहमति पेपर पर कोई साइन नहीं किया, हस्ताक्षर हमारी नहीं हुई है, और 13.5 लाख रुपया का लगभग योजना था हमारे वार्ड का टोटल पैसा का निकासी हो गया, और सच बात ये है कि हमारा ये घर है और वीर सिंहपुर पंचायत से हम जगन्नाथ मेरा नाम है, हम वार्ड नंबर 6 का पंच है और ये हमारी पत्नी है,
ममता देवी ये मुखिया प्रत्याशी है बिरसिंहपुर पंचायत के, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचे। आप लोग भी ऐसा प्रयास करिएगा कि ये हमारे बस्ती में है ना, लगभग 15 घर ऐसा है जो एक भी घर में पानी नहीं गया हुआ है ना। इसके लिए हम जो है एक चंद्रशेखर सिंह डीएम थे, चंदन कुमार बीडीओ थे, चक्कर लगाते लगाते तंग हो गए लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं। आप अच्छा काम करेंगे, आप आएंगे तो सात निश्चय में यही कहेंगे आप? एकदम हमारी ओर से पूरा प्रयास होगा कि नल जल से लेके पंचायत में जितना भ्रष्टाचारी है ये चरम सीमा पर है, और वर्तमान में जो यहाँ के नेतृत्व कर रहे हैं वो सिर्फ आलीशान बिल्डिंग बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और एक जो है शहर में एकदम जमींदारी हो, एकदम जमीन खरीदने में व्यस्त हैं। इसलिए अच्छा ये बताइए कि मनरेगा और नरेगा जैसी योजनाएं जो महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से बनाई गई थी, और ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों के लिए बनाई गई थी जिन्हें रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत संवैधानिक अधिकार देते हुए उन्हें उनके घर पर साल में एक निश्चित दिवस रोजगार के अवसर को मुहैया कराता है, ऐसे में आपके पंचायत की भी क्या स्थिति है और आपके आने के बाद उस स्थिति में क्या परिवर्तन आप लाएंगे, क्या आपका मिशन है उसके बारे में? देखिए मनरेगा योजना का जहाँ तक आप बात कहें अच्छी बात है और अच्छे विषय पर आप बात कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद आपको है ना। मनरेगा का स्थिति बिरसिंहपुर का ये है कि गरीब लोगों का पैसा उसके अकाउंट पर जाता है और उसको ये कह के निकाल लिया जाता है कि हम मिट्टी भराई करवाए हैं और उसका पैसा है, उसका पैसा निकासी हो जाता है। लोगों को मनरेगा का जॉब कार्ड उनके घर में नहीं है, इस पंचायत का ये हालत है। आप सर्वे करिए बिरसिंहपुर पंचायत में क्या हालत है, जॉब कार्ड नहीं है, लोगों को ये नहीं मालूम है कि उनका जॉब कार्ड भी बनाया जाता है, मनरेगा का नियमावली लोगों को नहीं मालूम है क्योंकि बताना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं अभी का जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि है, वो चुपचाप उनके खाता पर पैसा मंगा लेते हैं और वैसे ही ठगी करके निकाल लेते हैं, इसीलिए जॉब कार्ड भी लोगों के पास नहीं है। हम लोगों को यही भरोसा लेंगे कि जॉब कार्ड ईमानदारी से उनको मुहैया कराए, जो मनरेगा के माध्यम से जो भी उचित फायदा हो उनको मिले, इसके लिए जो भी संभव प्रयास होगा वो हम अपने माध्यम से करेंगे। आधी आबादी महिलाओं की है, महिलाएं ग्रामीण भारत में आज भी हाशिए पर हैं, एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी के साथ साथ बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज्यादा है। बापू कहा करते थे कि जब तक ग्रामीण भारत में महिलाएं घरेलू उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। आपके आने के बाद उन महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे, क्या क्या आपका उद्देश्य है? देखिए महिला जो है हमारे पंचायत की जो महिला है उनको ये हमारे ओर से ये प्रयास होगा कि हमारे पंचायत में सरकारी बिल्डिंग वगैरह भी है, बैंक वगैरह चल रहा है, कुछ दुकानें हैं, हाट वगैरह है, कुछ अपने माध्यम से भी इस पंचायत में अगर हम मुखिया बनाए जाते हैं तो अपने माध्यम से भी कुछ दुकान बनाएंगे, और बेरोजगार जो युवा हैं लॉटरी के माध्यम से उनको मकान को मुहैया कराएंगे, उनको उस माध्यम से उनको काम देने का काम करेंगे। महिला जो हैं उनके लिए हम बैंक से बात करके ऋण का बात करेंगे कि भाई इनको कुछ जो है कर्ज दिया जाए, जो है उसका मुद्रा योजना सरकार की काफी महत्वाकांक्षी परियोजना है तो मुद्रा योजना से उन्हें कनेक्ट करके आगे बढ़ाएंगे उनको? जी बिल्कुल, मुद्रा योजना से हम बैंक वाले से बात करेंगे कि हमारे पंचायत में महिला बेरोजगार है, उनको जो है पैसा मुहैया कराया जाए, कर्ज दिया जाए, ऋण शिविर के माध्यम जी जो है ऋण शिविर के माध्यम से एकदम चाहेंगे कि उनको पैसा मिले, और सिलाई मशीन वगैरह है, सिलाई सेंटर वगैरह है, ये हम पूरा प्रयास करेंगे कि महिलाओं के लिए जो भी हमसे भला हो पाएगा बेरोजगारी को दूर करने के लिए, खास करके मेरे अपने पंचायत में, वो हम करेंगे। ये बताइए कि आज के युवा नशा, पलायन और बेरोजगारी के शिकार हैं, उनके लिए स्वरोजगार के अवसरों को क्या, जिस तरह आप महिलाओं के लिए बैंकों से ऋण शिविर लगाएंगे, मुद्रा योजना से उन्हें जोड़ेंगे, युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए जहां तक नशा का बात है तो हमारा अपना व्यक्तिगत मानना है
कि एजुकेट जो एजुकेटर लगा है ये भी कमर तोड़ा है लोगों को, क्योंकि फैक्ट्री वाले का फैक्ट्री बंद हो गया, बेरोजगार लड़का है उनका काम नहीं मिला है ना, इसलिए वो गांव में आके रह रहे हैं, मजबूरी में कोई ऐसा करते हैं कि शराब वगैरह पीते हैं, लेकिन जो एजुकेटेड हैं वो गाँव में भी आके अपना काम तलाश लेते हैं। हमारी ओर से ऐसा प्रयास होगा कि जो भी ऐसा व्यक्ति होंगे हमारे गाँव में, जो लड़का ऐसे होंगे, उनको हमारी ओर से पूरा मदद मुहैया कराया जाएगा, चाहे बैंक से हो, सर्न के माध्यम से हो, अपने माध्यम से हो, पंचायत के विकास फंड से कुछ ऐसा हो प्रावधान, वो हम करने का काम करेंगे। हमारी ओर से पूरा सहयोग होगा युवा वर्ग को। भ्रष्टाचार इस देश की एक अहम समस्या है, कुछ देर पहले आपने भी जिक्र किया, और हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज की रिपोर्ट में भारत काफी नीचे गिर गया है। भारत का जो पायदान की उसमें रैंकिंग थी वो काफ़ी नीचे हो गया है। इससे ये बताया गया उसमें कि सरकार की जो कार्यक्रम है वो उन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रही है जिनके लिए योजना बनाई गई है। तो आज ऐसा कहा गया कि पंचायतों में आम सभा नहीं होता, तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार उन्मूलन में क्या क्या करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचारी का जहाँ तक बात का है, ये बात तो सही है कि भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। हम पूरे देश का और पूरे स्टेट लेवल का तो बात करेंगे नहीं, हम जहां रह रहे हैं वहां का हम बात करें तो भ्रष्टाचारी का पूरे हमारे प्रखंड में टॉप कर गया है भ्रष्टाचारी के मामले में। आवास में इसका प्रमाण है मेरे पास कि 35,000 रुपया लिया गया है ना। शौचालय योजना, जो शौचालय बनवा दिया लोगों को, उसका पैसा जो है सो अभी तक नहीं दिया है कि भाई शौचालय बनाओ और पैसा हम देंगे, ऐसा नहीं किया गया है। उनको बनवा दिया, गरीब आदमी कर्जा लेके बनाया, उसका पैसा नहीं मिला, क्योंकि उनको जो है पहले कमीशन चाहिए था, और गरीब आदमी कहाँ से कमीशन देगा पहले, है ना। भ्रष्टाचारी चरम पर है। हमारी ओर से ये प्रयास होगा कि कम से कम हमारे पंचायत में भ्रष्टाचारी को, देखिए सर, खत्म कर देना, ये तो मान के चलिए कि अभी हम नए आएंगे और ये कह दे, लेकिन हमारी ओर से पूरा प्रयास रहेगा कि मेरे पंचायत में जो भ्रष्टाचारी चल रहा है जितना हो सके कम हो। नहीं तो आम सभा के द्वारा जब लोग योजना बनाएंगे, लोगों के द्वारा योजना बनेगा और उस योजना पे सही क्रियान्वयन होगी आपके लीडरशिप में जब आप आएंगे, तो भ्रष्टाचार तो अपने आप कम हो जाएगा। ये तो एकदम सही है कि लोगों को भरोसा में लेके आप जब भी आप लोगों को भरोसा में लेके कोई भी काम करते हैं तो आपका विरोध नहीं होगा, काम ईमानदारी से होगा। ये तो एकदम सामान्य भाषा में कहे आप कि लोग को भरोसा में ले लीजिए और कितना भी मुश्किल काम होगा वो आपको आसानी से निपट जाएगा और भ्रष्टाचारी भी खत्म हो जाएगा, और लोग आपके साथ होंगे तो पदाधिकारी भी आपका बात सुनेंगे। अगर हमसे नहीं माना प्रखंड विकास पदाधिकारी तो गांव के लोगों को हम कहेंगे कि हमसे मनमानी बात किया जा रहा है, आप लोग चलिए मेरे साथ उनसे बात करें। अच्छा जगन्नाथ जी, आपके आने के बाद वो कौन से 5 काम प्राथमिकता के आधार पर हैं जो आपसे पहले किसी भी जनप्रतिनिधि ने आपके पंचायत के लिए आज तक नहीं किया और वह जनता के लिए बहुत ही जरूरी चीजें हैं, वो कौन कौन सी 5 काम है? देखिए, 5 काम में सबसे पहला काम होगा मेरा कि बिरसिंहपुर पंचायत में कुछ ऐसा वार्ड है जैसे 4 है, जो हरिजन समुदाय का जो बस्ती है उस पर तो विशेष एकदम ध्यान ही नहीं दिया कभी। हरिजन बस्ती में जो है सो रोड का जरूरत है, नाला का जरूरत है, वार्ड नंबर 4 में, वार्ड नंबर 12 में, वार्ड नंबर 5 में, इस सब में नाला का अति आवश्यक जरूरत है, नाला का जरूरत है, मेन सड़क से जोड़ना है, ये सब काम नहीं हुआ है। राशन कार्ड बहुत सारे लोगों, हम तो घूमे हैं ना, 95% लोगों से हमने मिले हैं, सभी लोगों का ये कंप्लेन है, बहुत ऐसा परिवार है, 3-3 जिनका बच्चा है उनको अभी तक राशन कार्ड मुहैया नहीं कराया गया है, जिनका 70+ उम्र है उनको अभी तक पेंशन मुहैया नहीं कराया गया है, बहुत ऐसे लोग हैं जो उनका हाँ हाँ नहीं किए, उनका काम नहीं हुआ। भरोसा हम लोगों को दिला रहे हैं कि आप हमको लाइए, ऐसा नहीं होगा और हम जो है आपके भरोसे पर खड़े उतरेंगे। नहीं तो इसके अलावा और क्या क्या करेंगे? 3 काम हुए। सबसे पहला काम होगा कि अभी हमारे बिरसिंहपुर पंचायत में आप जाइएगा, 7 निश्चय तो आपने बताया, नाली गली जल नल जो है। दूसरा, स्वास्थ्य में क्या करेंगे? स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत में? स्वास्थ्य केंद्र है, चल रहा है ठीक से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो बिरसिंहपुर के ग्रामीणों को ये नहीं मालूम है कि उनके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है भी कि नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र है या उप स्वास्थ्य केंद्र है? उप स्वास्थ्य केंद्र है।
लाइब्रेरी आपके पंचायत में है? जी नहीं। तो आप लाइब्रेरी बनाएंगे? जी, शिक्षित व्यक्ति है तो लाइब्रेरी तो आपको बनानी चाहिए एकदम। हम जो एजुकेशन के लिए जो कुछ भी हो पाएगा, चाहे हमारे बच्चे के लिए, लड़के के लिए, लड़कियां के लिए, खेलकूद का मैदान वगैरह हो हमारे माध्यम से, खेलकूद का मैदान हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे आप स्वास्थ्य का बात किए, स्वास्थ्य में बीरसिंहपुर को मालूम नहीं है बहुत ग्रामीणों को। अच्छा, लड़कियों के लिए प्लस टू स्कूल है आपके पंचायत में? एकदम है, प्लस टू का स्कूल है, लेकिन उसका हालत यह है कि सेकंड फ्लोर का जो छत है उसमें दरार है और चूता है और संभावना है कि किसी भी वक्त वो छत गिर जाएगा। इसलिए शिक्षा मंत्री तो आप ही के गृह जिला के हैं, आपके उनसे कांटेक्ट भी हैं, तो उनको बोलिए और यहाँ डिग्री कॉलेज खुलवाइए। जी, हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि आप शिक्षा मंत्री तक ये बात कहें। हम एक जवाबदेह नागरिक हैं, हम सरपंच कमेटी का मेंबर हैं, है ना। आप कहिए कि बीरसिंहपुर पंचायत का जो प्लस टू स्कूल है उसका छत क्रेक है और पानी चूरा है, किसी भी वक्त छत गिर जाएगा और सैकड़ों बच्चे जो है सो तबाह हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री तक ये बात आप लोग पहुंचाइए। ये जगन्नाथ कुमार जो काफ़ी जोश के साथ इस राजनीतिक सरगर्मी में अपने को समाज सेवा के उद्देश्य से, जनसेवा के माध्यम से आए हैं, चलते चलते बापू के सपनों के भारत के लिए कि देश का एक गांव बतला दो जो अच्छा हो, वहां सरकारी कार्यक्रम कोई सच्चा हो, वहां सुरक्षित जच्चा बच्चा हो और वह सारे जहां से अच्छा हो, वह सारे जहां से अच्छा हो। वीडियो टीम समस्तीपुर।